पुलिस की नाक के नीचे 24 घंटे में दो चोरी, पुलिस नहीं कर पाई अभी तक चोरी का खुलासा। जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के माली बाली बगिया में उस वक्त हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे 3 चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लूटपाट करनी शुरू कर दी। इसका विरोध किया तो चोरों ने पीड़ित इमराना की कनपट्टी पर तमाचा रख कर 24,000 नकदी का हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित इमराना ने 3 चोरों में से एक की पहचान कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ित को आश्वासन दिया जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। रिपोर्ट बाय मोहित गुप्ता, समाचार इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद। क्या घटना हुई है आपके यहाँ आज? हमारा पीटी हुई थी, चोरी करने के लिए आए थे। चोरी कौन लोग थे जो चोरी करने आए थे? यहीं गए थे बगिया में। बगिया में गए, क्या आपके जान पहचान में थे कोई? एक को पहचाना था भाई ने हमारे। एक को पहचान लिया था। अच्छा, आपको जो मारपीट की थी तो वो कितने लोग थे? तीन। तीन। अच्छा, आप लोगों को कुछ बंधक बनाया? हाँ। अच्छा, कितने लोग जो है, कितने रुपए का आपके यहाँ से नकद गया? 24-25 थे सारे। 24-25 हज़ार में। और कुछ सामान भी बरामद हुआ? ना, सामान नहीं। अच्छा, नगद पैसे गए थे? भाई के सर पे तमंचा रख दिया था भाई। अच्छा, आपने जो है इस चीज की शिकायत था पाकुड़ थाना में की थी? अच्छा, अभी पुलिस यहाँ पे आई थी मौके पे? हाँ। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? अभी तक तो कुछ सुनवाई ना हुई है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अप्रोच कहाँ? इनके जो चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? इनके यहाँ मामला ये है कि रात मेरे पास 4 बजे इन्होंने फोन करा, 4:30 बजे के टाइम लगभग, 4 बजे इनके यहाँ चोटे घुस गए यहीं के, बता रहे हैं एक पहचान लिया इन्होंने मोहल्ले का ही। तो मैंने इनसे पूछा क्या करा उन्होंने, तो ये इन्होंने बताया, बोले क्या नाम है, हम तो घर में थे, सबको बंधक बना लिया, एक पे चाकू था, एक पे तमंचा था, एक लड़की है छोटी लगभग 14-15 साल की, उसके साथ बदतमीजी करी बताया इन्होंने मुझे, और बदतमीजी करी, गलत जगह हाथ डाले, छेड़छाड़ करी। तो इन्होंने, उसके भाई ने लड़की के विरोध करा तो इसके तमंचा लगा लिया कान पे। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत पाकुड़ थाने में की थी? हाँ, इन्होंने पाकुड़ थाने में तहरीर दी है इस चीज़ की, तो उन्होंने इन्हें आश्वासन दे दिया थोड़ा, बोले हाँ हम देखेंगे, बाकी ऐसा कोई उन्होंने इसमें इंटरेस्ट न लिया पुलिस ने, जो कि होना चाहिए था। ऐसा घर बता दिया, उसका मकान बता दिया, नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया पुलिस को, और मोबाइल उसका, रात चोटे का मोबाइल गिर गया, सुबह को वो दमंगों को लेकर और मोबाइल लेने के लिए हो रहा है यहाँ पे घर पे। अच्छा, इन्होंने जो तहरीर दी है वो नाम दर्ज की? हाँ, उसमें इन्होंने खोल दिया है कि बोले जो मोहल्ले का लड़का, घर पर पुलिस को बरामद करवा दिया गया इसका घर ये है, वो लोग सुबह भी आए थे ना बदमाशी दिखाने के लिए। अच्छा, पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है? ना, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, पुलिस जो है अभी टाल भी नहीं कर रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब उसमें यही चाहते हैं कि ये लोग बाहर के हैं, वहाँ जहाँ रह के वहाँ से आए हैं, ये मोड़े से आए हैं शायद गांव से, तो वहाँ भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गंदे लोग हैं, चोरी चकारी करके वहाँ से भाग के यहाँ पागुड़े में आन के बस के, पागुड़े को ज़्यादा ऐसे लोगों ने गंदा कर दिया बाहर के लोगों ने।